राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राम केवल पुत्र परदेशी निवासी मंझरिया थाना रामगढ़ताल गोरखपुर, दूसरा ओमकार निषाद पुत्र राम जियावन निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा बुद्धिराम निषाद पुत्र स्वर्गीय सुखराज निषाद निवासी सुरैना थाना हरपुर बुधट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलो नौसादर, 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह 3 अभियुक्त दबिश के दौरान कच्ची शराब के साथ पाए गए, जिनको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल नवी रसूल, रोशन बिंद, पप्पू गौतम, पवन यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर रोकथाम लगाने एवं कच्ची शराब के बनने हैं उससे संबंधित जितने भी हैं अपराधी हैं उन सबको धरपकड़ के अभियान में अमूरतानी क्षेत्र से कल रात को थाना राजघाट एसओ राजघाट एवं चौकी प्रभारी टीपी नगर द्वारा दबिश दी गई। उसमें शराब बनाते हुए अपमिश्रित शराब को बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 450 लीटर कच्ची शराब, 2.5 किलो यूरिया एवं 4 किलो नौसादर और 1 स्कूटी भी बरामद की है मौके से। और 3 अभियुक्त जिनका नाम राम केवल, ओमकार और बुद्धिराम, इन तीनों पे 272 IPC एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू।